ये ग्राफ दिख रहा रहे है कि किसी को क्या हो रहा है यहाँ से यहाँ तो यह क्या है यार ये मतलब है क्या ये यहाँ पे क्या जम जम करते हैं क्या क्या है ये किसी को ये समझ में आता है क्या है? क्या है बच्चा है बच्चा बता सकता नहीं ये देखो बेटा यहाँ से यहाँ का रास्ता दिया हुआ है कुछ ऐसे शायद गूगल मैप है रास्ता भटक गया है ठीक है चलो आज हम ये पता लगाएंगे कार्नोट इंजन क्या होता है कार्नोट साइकिल क्या होती है देखो बेटा अभी तक हमने क्या सीखा अभी तक हमने ये सीखा था कि चलो हम सारे प्रोसेस को अलग अलग करके पढ़ते हैं ठीक है जब हमको ये बात समझ में आ गई बेटा सारे प्रोसेस को हमने अलग अलग करके पढ़ लिया तो उसके सर्टेन आउटकम्स आए कि अच्छा जब हम हीट को कॉन्स्टेंट रखेंगे तो आइसो थर्मल जब हमने प्रेशर को कॉन्स्टेंट माना तो आईसो बेरिक जब हमने वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट माना तो आईसो पोरिक ऐसे कई सारे प्रोसेस को हमने पढ़ा आज मैं आपको एक ऐसा साइकिल पढ़ाने जा रहा हूँ जो रिवर्सिबल जानते हो बेटा रिवर्सिबल इसिबल आई थिंक सबको क्लियर है साइकिल्स में किसी को साइकिल में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में डाउट बेटा आई थिंक क्लियर होगा राइट सो आज हम पढ़ने वाले कार्नोट साइकिल अच्छा दो बातें बता देता हूँ इसके पहले ठीक है सो दिस साइकिल कंप्रेसेस ऑफ फोर स्टेप ये साइकिल में बेटा चार स्टेप होंगे दिस साइकिल कंपराइजस ऑफ फोर स्टेप सबसे पहली बार ठीक है चलो हर इंजीनियर को इसको समझना जरूरी है चाहे वो छोटा से छोटा इंजीनियर हो बड़ा से बड़ा इंजीनियर हो ये समझना आपको आना ही पड़ेगा इसका कोई सेकंड सॉल्यूशन है नहीं क्यों मैं वो भी समझा दूंगा डोंट वरी अब अगली बात जो इंजीनियरिंग में फेमस होती है दिस इज एन आइडियल केस दिस इज एन आइडियल केस वाई दिस इज एन आइडियल केस सर क्या एफिशियंसी हंड्रेड हो सकती है बताओ भाई इंजीनियरों नो no, सर

या पिस्टन पिस्टन सुना है क्या yes मोटर 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 भाई मतलब चलाना है तो मोटर चलाना है तो मुझे कुछ ना कुछ तरह का एक्टिविटी करना पड़ेगा तो क्या पिस्टन वगैरह सुना है क्या आपने बाइक में पिस्टन होता है यस yes yes सर तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच से चलता हूँ मान लो यहाँ पे है मेरा फ्यूल टैंक दिस इज माई फ्यूल टैंक ठीक है कुछ खतरनाक सा स्पलेंडर सा भी नहीं दिख रहा रहे तो चलो ऐसा कुछ फ्यूल टैंक होता है स्प्लेंडर का देखा है आपने यस सर देखा है चलो अब फ्यूल टैंक से एक पाइप में ऐसे ज्वाइन कर देता हूं और यहाँ पे उस पाइप में ये पाइप यहाँ ज्वाइन हो गई अब ध्यान से देखते रहना ना यहाँ पे एक चीज समझ में आएगी यहाँ पे मैंने एक स्पार्क प्लग डाल दिया और यहाँ पे स्पार्क प्लग जानते हो क्या गाड़ी में एक पार्ट यूज होता है लड़के शायद सुने होंगे लड़कियां तो मुश्किल yes, है ठीक है ये होगा ठीक है हाँ चलो ये स्पार्क करेगा अब देखना बेटा यहाँ पे है मेरा पिस्टन ये है मेरा पिस्टन दिस मेन पार्ट इसलिए मैंने बोला कि इसको समझना जरूरी है अब सुनना ध्यान से यहां से बेटा फ्यूल आएगा हाँ सर यहाँ पे फ्यूल छिड़केगा ये जैसे फ्यूल छिड़के स्पार्क, स्पार्क करेगा, स्पार्क करेगा यहाँ पे और ये फ्यूल बर्न होगा तो ये फ्यूल बर्न होगा तो पिस्टन पे एक फोर्स पड़ेगा तो पिस्टन नीचे आएगा बेटा सोच के देख लीजिए नहीं भी समझ पाए तो बेटा कोई yes बात नहीं

पीवी डायग्राम बनाना चाहूंगा इस पिस्टन सिलेंडर का अच्छा बनाओ बनाऊंगा रुक जाओ देखो ये देखो यहाँ पे है बेटा एक पिस्टन ठीक है आई थिंक सबको पता होगा ये पिस्टन बोलते हैं बेटा इसको आपने केमिस्ट्री में देख रखा है और ये आपके बाइक में भी होता है फॉर्चुनेटली ठीक है अब मेरे सस्ते एनिमेशन से समझने की कोशिश करना बेटा जैसे ही यहाँ पे प्रेशर आग लगेगी बेटा ये इस तरफ जाने लगेगा सोच के देखो पहले यहां पे होगा बेटा ध्यान से देखना

एक्सपेंशन कम्प्रेशन दिख रहा है बेटा किसी को भी दिक्कत समझने में आई डों यहाँ तक तो सबको समझ आया होगा चलो अब मैं बोलता हूँ बेटा थोड़े देर बाद पिस्टन यहाँ पे दिखा सर यहाँ पे कैसे बेटा यहाँ पे मैंने उसको हीट Heat दे, दे रहा था उसको यहाँ पे मैंने हीट दी उसको आइसोथर्मल मतलब अच्छा आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है बेटा इसका ये मतलब है क्या हीट जीरो हो जाएगा बेटा ऐसा कुछ नो सर हीट कांस्टेंट होती है कांस्टेंट टेंपरेचर कांस्टेंट वेरी गुड अच्छा सुनो बेटा अब मैं बोलता हूं कि इनिशियली मैंने इस पिस्टन को यहां देखा ठीक है सर बहुत अच्छी बात है फाइनली मैंने इस पिस्टन को यहां देखा अब मैं इसको डायग्राम से बनाने की कोशिश करता हूं सर ये कौन सा डायग्राम है ये बेटा वही डायग्राम है जो आप पढ़ोगे अभी थोड़ी देर बाद देखते रहो अब इसको मैं थोड़ा डॉटेड लाइन से बना देता हूं ठीक ये हो चलो अब बेटा मैंने आपको बहुत पहले एक बात बताई थी गुब्बारे वाले में ये ऐसा कुछ वेरिएशन आता है प्रेशर और वॉल्यूम का देखो और वो आता है? अगर आप ध्यान दो बेटा तो पहले इतना ही वॉल्यूम हुआ करता था जैसे पिस्टन इस जगह पहुंची वॉल्यूम बढ़ गया बेटा सोच सकते हो इस बात को वॉल्यूम बढ़ गया तो ये बढ़ा वॉल्यूम को आप इस जगह पे देख पा रहे हो बेटा यहाँ पे देखो से बी में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ सोच के देखो सर यही तो बॉयल्स लॉ है अरे नहीं बेटा बॉयल्स लॉ नहीं है ये मैं आपको तो साइकिल आप बता रहे हो पीवी कर कर्व ये तो आइसोथर्मल में ही तो नीचे आता है तो ये नीचे आता है या बैलून हवा छोड़ता है तो ऐसा कर्व बनाता है राइट यही मैं बता रहा हूँ आपने पकड़ा सही है ना बेटा गाड़ी का वो कॉन्स्टेंट हीट देगा मतलब एक चिंगारी हीट होगी वो कॉन्स्टेंट होगी आइसोथर्मल होगी ठीक है वही मैं बता रहा था कर्व के बहाने ठीक है अच्छा देखो बेटा हाँ आप सही बोले बोला आपने सही है ठीक है चलो कोई नहीं अब देखो धीरे धीरे प्रेशर कम होगा बेटा या प्रेशर बढ़ेगा सोच के बताओ प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ रहा बी तो प्रेशर क्या होगा इतनी बात आप सबने समझ ली होगी आई थिंक यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं आ रहा है तो मैं इसको बोल देता हूँ प्रोसेस वन से तो सर इसमें जो प्रेशर बढ़ रहा है वो बढ़ किसका रहा है फ्यूल का या फिर किसका प्रेशर बेटा तेल जब जलता है ना तो वो एक प्रेशर क्रिएट करता है वो उसका प्रेशर है एक्चुअली में ठीक है हम मैंने यहाँ पे क्या बोला मैं यहाँ पे आग, ऐसे कॉन्स्टेंटली प्रेशर दे रहा हूँ क्या यही चीज मैं अंदर भी कर पा रहा हूँ स्पार्क प्लग के बहाने यही चीज तो प्रेशर, प्रेशर को तो स्पार्क दिया बेटा देखो समझाता हूँ देखो यहाँ पे मान लो तेल आएगा बेटा राइट यहाँ पे फ्यूल आएगा यहाँ पे फ्यूल बर्न होगा तो फ्यूल बर्न होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने लगेगा फ्यूल तो धीरे धीरे पिस्टन को ऑटोमेटिक नीचे आना पड़ेगा बेटा समझ पा रहे हो हाँ। तो यही था आपका डाउट या और कुछ था सर आपने आपने बोला ना आपने स्पार्क के लिए भी प्रेशर दिया है मैंने स्पार्क तेल को जलाने के लिए दिया है बेटा ताकि तेल जले तेल अगर यहाँ पे जलेगा तो ये पिस्टन धीरे से नीचे आएगा ये नीचे आएगा तो एक क्रैंक से जुड़ा होता है और क्रैंक आगे चल के चेन से जुड़ा होता है जो मूव करता है आपके टायर को ठीक है मैं उतना डीप में नहीं गया वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए ठीक है बेटा अब समझ में आया ये एक और बार बताऊ बोलो आगे।, आगे हाँ प्रेशर इसलिए बढ़ेगा क्योंकि फ्यूल जल रहा है तो मैं इसको बोल देता हूँ आईसो, आईसो थर्मल अब सुनना बेटा अब यहां ध्यान से सुनना जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा तो मैं बोलूं कि भाई अब आग का कोई अब तो मैंने आग हटा दी तो अब ये कुछ आइडियाबेटिक नहीं हो गया बेटा चारों तरफ से बंद ना हीट ले रहा है ना हीट दे रहा है सोच के देखो चारों तरफ से बंद ना हीट ले रहा है ना हीट दे रहा है इस बात को समझ पाए क्या नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं मैं फिर से समझाता डोंट वरी इतने पोर्शन को मैं फिर से समझाता हूँ आपको देखो कुछ ऐसा डायग्राम था हाँ सर अगेन द सेम डायग्राम देर इज चेंज इन डायग्राम ठीक चलो अब देखो बेटा यहां ध्यान से जब ध्यान से देखना जब ये पिस्टन बेटा इस पॉइंट पे आ गया इस पॉइंट पे और हीट जो है यहां से मैंने हटा दी तो अब ये एक एडियाबेटिक सिस्टम नहीं हो गया देखो बेटा चारों तरफ से ना हीट कहीं से इसको बेचारे को मिल रही है ना ये अपना हीट कुछ कहीं कर पा रहा है पर अगर मैं यहां से हीट हटा दूंगा तो क्या डायरेक्टली ये वाला ये बेटा घूम के यहां आ जाएगा इज इट पॉसिबल तुरंत आ जाए एक सेकेंड में इज इट पॉसिबल No sir, मैंने no sir, हीट no देना बंद कर दिया तो क्या तुरंत तो ऐसे no आ जाएगा नहीं ये धीरे धीरे no धीरे धीरे no ऐसे आएगा पर मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ये एडियाबेटिक है राइट इसका नाम दे देता हूँ प्रोसेस टू टू थ्री ठीक है उसका नाम हमने दे दिया प्रोसेस टू टू थ्री अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वर्क डन कैसा होगा यार बताओ तुम तुमको बताना है सर वर्क डन मतलब बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन मैंने क्या बताया था अगर आपको याद हो तो व्रत का एग्जाम्पल याद करो क्या वो किसका अग्जाम्ण? जो चेंज इन एनर्जी आता है वेरी गुड तो क्या चेंज इन इनल एनर्जी जैसे नहीं आएगी वर्क डन नेगेटिव नहीं हो जाएगा सोच के देखो वर्क डन नेगेटिव नहीं हो जाएगा बेटा सोच के इंटरनल एनर्जी यूज कर रहा है सर एक मिनट इसमें इंटरनल एनर्जी कहां से आई बेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको हीट किया था ना तो तुरंत तो पूरी एनर्जी जीरो नहीं हो सकती अच्छा yes, sir. थोड़ा सा समझ में आया सर तो आपको ये बात समझ में आई मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ दैट नेगेटिव ऑफ वर्क डन इज इगल टू चेंज इंटरनल एनर्जी किसी को ये बात समझने में किसी भी इंजीनियर को दिक्कत नो सर आई थिंक सर इंजीनियर को ये बात तो समझ में आ ही गई होगी ठीक है सर लेकिन आपने एडियाबेटिक क्यों लिया बेटा एडियाबेटिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसका ना कोई कॉन्टेक्ट नहीं था बाहर से अब ये बाहर से हीट तो ले ही नहीं रहा है तो इसका सिस्टम मेरे को एडियाबेटिक ही लग रहा है हीट ना बाहर जा रही है अंदर आ रही है इसलिए मैंने लिया अच्छा तो बेटा अब इसका भी अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ऐसा कुछ डायग्राम आएगा एक सेकेंड ऐसा कुछ डायग्राम सोच के देखो ऐसा कुछ ऐसा कुछ डायग्राम सर लेकिन यहां से यहां तक तो सर आप दिख रहा है वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है सर ये नहीं समझ में आया ये नहीं समझ में आया किसी को कोई ऐसा है नहीं किसी को ये समझने में दिक्कत <laughs> रेज एंड कर दिया बच्चों ने अरे बोल देते यार माइक पे क्या दिक्कत है सुनो 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 सुन। बेटा मैं समझाता हूं सुनो इस पॉइंट के बाद ना बेटा ये तुरंत इस साइड नहीं जाना शुरू करेगा थोड़ा सा और इधर आएगा राइट right, थोड़ा सा आएगा ही आएगा ही सर फिर से कंफ्यूजन हो गया अभी अभी सर आपने बोला कि ये तुरंत इधर नहीं जाएगा हम आपकी बात मान गए अब आप ये बोल रहे हो सर कि तुरंत इधर तो नहीं जा रहा होगा थोड़ा और पीछे आएगा तब ऐसे जाएगा ये नहीं समझ में आया देखो बेटा उसमें कुछ तो इंटरनल एनर्जी होगी इंटरनल एनर्जी फोर्स लगाएगी उसमें कि भाई चल चल थोड़ा पीछे चल भाई मेरे थोड़ा पीछे चल यही करेगी सोच के देखो तो थोड़ा सा वॉल्यूम एक्सपैंड होगा बहुत थोड़ा सा उसको मैंने ग्राफ में भले बड़ा बनाया पर बहुत थोड़ा सा एक्सपैंड होगा क्या थोड़ा जाए सा जाए तो, जाए तो, 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 तो हो सकता है सर क्या पता एनर्जी लगा रही हो थोड़ा सा हो जाए तो बस वो थोड़ा सा जो था बेटा वन से टू टू से थ्री उसी को हम बोल देंगे एडेबेटिक एक्सपेंशन ठीक है क्लियर है बेटा प्रोसेस टू टू थ्री समझने में किसी को दिक्कत नो सर अब आपको पता है एक्सपेंशन का मैंने बता दिया कंप्रेशन का खुद से बना लोगे ना ऐसे ही या मैं बताऊंगा सॉरी हाँ उसमें उल्टा हो जाएगा बेटा नेगेटिव हाँ वैसे ही बोल सकते वो भी सही है ठीक है वेरी गुड उसमें क्या होगा अब यहां से वापस उल्टा जाएगा एंड अगेन यहां से यहां जाएगा ये हो क्या रहा है टू टू थ्री मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है टू टू थ्री में क्या होगा बेटा टू टू थ्री तो मैंने समझा दिया थ्री से फोर में क्या होगा सॉरी 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 ठीक है सस्ता एनिमेशन कभी कभी ज्यादा सस्ता हो जाता है यहां से यहां जाएगा बेटा ये होगा थ्री टू फोर या फिर ऐसे मान लो टू से थ्री तक आप समझ गए थे अब थ्री से धीरे धीरे जाएगा थ्री टू फोर फिर फोर टू वन अगेन वन से टू 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 थ्री थ्री टू फोर फोर टू वन क्लियर है क्या वन टू का थ्री फोर टू का वन दो हाँ बेटा फोर टू वन फोर टू वन ये देखो ये यहाँ से यहाँ आया बेटा दिस इज प्रोसेस वन टू टू पहले यहाँ था धीरे से एक्सपैंड हुआ यहाँ आया वन टू टू थोड़ा पीछे गया देन अगेन आया यहां पे ठीक है एंड उसके बाद दिस इज फोर टू वन ये फोर टू वन फिर क्या होगा फिर वहाँ पे कौन सी फोर्सेस होगी कहां पे फोर्सेस फोर्स, फोर्स। की जरूरत कहा पड़ रही है फोर्स नहीं फिर प्रोसेस अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा था वही होगा वहां पे आइसोथर्मल एडियाबेटिक जब ये थ्री टू वन आ रहा होगा ये रास्ता ले रहा होगा बेटा सॉरी ये ऐसा रास्ता ले रहा होगा देन हियर विल बी आइसोथर्मल कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन पढ़ लिया आपने या कंप्रेशन मान लो यहाँ थ्री टू वन में कंप्रेशन होगा और फोर टू वन में अगेन एडियाबेटिक कंप्रेशन एडियाबेटिक हाँ बेटा हीट को को हमने फिर से इंसुलेट कर दिया। कर दिया ठीक मूव जाएगा पिस्टन ऊपर तक तक क्लियर है क्या किसी को यहां तक में में समझने कोई डाउट जो बात मैंने बोली थोड़ा जल्दी बोल दो बेटा अगले तो हाँ बहुत समझ आया होगा एक दो दस परसेंट समझ आया क्योंकि इसकी थ्योरी नहीं इससे क्वेश्चन ज्यादा गया है दस बस बहुत पचास से भी ज्यादा आ रहा है बेटा ये कर्व क्यों ऐसा हुआ ये जानना जरूरी है बच्चों को ये नहीं पता है, होता क्यों ऐसे ठीक है और पीवी का कर्व ऐसे क्यों बनता है मैंने बहुत अच्छे से बता दिया बेटा, बैलून का एग्जाम्पल से yes, डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है क्योंकि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा एक बनता है ऐसा कुछ बनता है

रिवर्सिबल ठीक है आगे बोल रहा है क्वेश्चन में रिवर्सिबल हीट इंजन, हीट इंजन रहा है और उसके बाद जो है इरिवर्सिबल के लिए टाइम्स आई इज फॉर आपको बताना है कौन सा सही है आपको As क्या लगता है आप अपना राय दो बेटा पहले वॉट यू थिंक इज द राइट ये पूछ रहा है कि दो हीट इंजन है एक रिवर्सिबल हीट इंजन है एक इर रिवर्सिबल हीट इंजन है किसकी एफिशियंसी ज्यादा होगी एज ए इंजीनियर बताओ प्लेसिबल होगी सर ये होगा सर रिवर्सिबल की ज्यादा होगी पक्का है यस सर यस सर, सर। रिवर्सिबल की ही ज्यादा होगी बेटा यू ऑल पीपल आर राइट रिवर्सिबल की हमेशा याद रखना एफिशिएंसी ज्यादा होती है सर क्यों ज्यादा होती है देखो बेटा मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज बेटा ये एक आदमी है राइट चलो इसका पीवी डायग्राम ही ऐसे बना देता हूँ मान लो इसने ये रास्ता लिया और यहाँ पे पहुंचा अब बेटा आने के लिए भी इसने सेम रास्ता लिया राइट और जाने के लिए भी इसने सेम रास्ता लिया बहुत अच्छी बात है ठीक है ये घर गया, बहुत अच्छी बात है। That means, अगर मैं बोलू, तो क्या रिवर्सिबल साइकिल में पाथ सेम होता है बेटा सोच के देखो yes, सर yes, हाँ ये तो होता ही है ठीक है अब सुनना एक और केस इसमें मैं समझाता हूं आपको कि सपोज बेटा कोई बच्चा है राइट right? सपोज ये एक्स वाई जेड बच्चा है नेम ऑफ द स्टूडेंट इज ए एंड दिस इज वन मोर स्टूडेंट नेम ऑफ द स्टूडेंट इज बी सिंपल भाषा में समझो ये बच्चा बेटा जे की प्रिपरेशन कर रहा है एक बुक से ठीक है ही इज यूजिंग सिंगल बुक ये भाई ये इंजीनियर बनने वाला है सुनते हो ठीक है ये इंजीनियर बनने वाला है ये एक दिन इसको पता चला ये बुक बहुत अच्छी है ये बेचारा ये बुक खरीद के ला दिया फिर किसी से सुना भैया ये बार तो क्वेश्चन इसी बुक से आएगा ऐसा मंत्र मारे हैं तो बेचारा ये बुक भी खरीद के ला दिया फिर इसको पता चला ये सब बुक तो पुरानी हो गई है नया बुक खरीद के ला दिया ठीक है और ये बेचारा हर दिन सेम बुक को पढ़ रहा है तो इट इज फॉलोइंग रिवर्सिबल साइकिल बेटा सोच के देखो मंगलवार बुधवार इतवार हर बार को यही किताब पढ़ रहा है ठीक है इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस ध्यान रखना ये क्या कर रहा है संडे इसने जादू टोना करवा के ये किताब पढ़ा मंडे ने ये अमावस्या के दिन ये, ये किताब पढ़ रहा है पूर्णिमा के दिन दूसरा किताब पढ़ रहा है इट इज अ इररिवर्सिबल प्रोसेस आपको क्या लगता है किस बच्चे के, के, के।, के। यहाँ से जाओ बेटा एक ही बुक पढ़ो सर एक बुक से एडवांस निकल जाएगा भाई एडवांस लिए आप एक बुक से थ्योरी कंप्लीट करो और बुक का नाम सबको पता है क्या क्या नाम ठीक है चलो ठीक है तो चलो ठीक है गुरु वगैरह छोड़ देते हैं ठीक है क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन बोला था भगवत गीता में कुछ अध्याय है उसमें देखना कि सब कुछ छोड़ के मेरे को मेरे को सुनो

कोई तो बता दो है अच्छा <laughs> बेटा देखो अरे सॉरी चाय इज माय मोटिवेशन तो देखना बेटा यहाँ पे अब मैं बना रहा हूँ चाय अब ध्यान से सुनना तुम लोग ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है इससे आपको सब समझ आ जाएगा वर्गन का साइन वाइन क्यों मैंने बोला था मत लेना मत सोचना ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है सबके घर में बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो चाय बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड के बर्तन होंगे ठीक है क्या किसी के घर yes में जो चाय नहीं पीता उनके लिए पानी गर्म करने के लिए ठीक है बेटा ठीक है सुप्रिया हाँ कॉफी ले लो ठीक है अब देखो नीचे बेटा आपके घर में ऐसा बर्तन है कि जिसका बेस कॉपर का हो जनरली यूज होता है हाँ तो भाई आने वाले इंजीनियरों बताओ क्यों कॉपर का बर्तन में चाय अच्छा बनता है जल्दी बनता है अच्छा तो यार कंडक्टर तो बहुत हीट है so गौट 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 तो वेरी अच्छी बात करने वाला हूँ थर्मोडाइनिमी के बारे में बेटा इसको मैं यहाँ पे हीट करूंगा सुनना खाली तो मैंने इसको कुछ ना कुछ हीट दी सोच के देखो क्यू हीट कहां से मिली इसको गैस के बर्नर से हाँ सर गैस के बर्नर से उसको हीट मिली ठीक है हाँ देव बेटा कुछ डाउट है क्या आपका रेज एंड हो गया है अच्छा चलो रेज एंड नहीं करिए ठीक है सुन तो अब देखो मेरे जैसा आदमी जो है वो ठंडी के दिन में बर्तन धोना अवॉइड करेगा पर अगर मेरे को जबरदस्ती बोल दिया जाए तो मैं बर्तन धो के तुरंत जहाँ पे दूध गर्म हो रहा है वहां पे ऐसे हाथ रखूंगा बेटा सोच के देखो सोच के देखो सर रखूंगा मैं दैट मीनस बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो इसके आसपास से हीट निकल रही होगी बेटा सोच के देखना इसके आसपास से यहाँ से हीट निकल रही होगी कॉपर के बर्तन से यहां से हीट निकल रही होगी चारों तरफ से राइट right? यहाँ से भी हीट निकल रही होगी मैं ऐसे मानता हूँ ठीक है इस चारों तरफ से इसकी हीट निकल रही है अब मैं आपको बोलता हूं क्यू हीट यानी कि इसको मैं नाम देने वाला हूँ क्यू तो क्या और यहां से हीट निकल रही है सराउंडिंग में ठीक है और इसको मैं नाम दे देता हूँ क्यू टू आप बताना बेटा क्या जितनी हीट ये बर्नर से लेगा सबसे वर्क डन कर लेगा क्या सारी हीट से चाय बना देगा बेटा सोच के देखना सर, वर्क डन चाय बनाना चाय बनाना वर्क डन है हाँ बेटा दूध तो उबलता तो है ना पानी भी उबलता है चीनी भी पिघलता है वो सब वर्क डन होता है दो तो वर्क डन वैसे हाँ ठीक है सर थोड़ा समझ में है मतलब ये सर बर्नर से जो हीट लेगा, उससे तो क्या अगर ये के के बेस से, अगर आप देखो, लो वो 170 डिग्री, पे, तो क्या, 170 डिग्री छोड़ देता है क्या बाहर अगर हाथ रखोगे तो हाथ ऐसे टेढ़ा हो जाएगा ठीक तो। है पहले तो बचेगा ही नहीं गल जाएंगी हड्डियां ठीक है ऊपर का स्किन कुछ बचा ले तो बचा ले चलो ठीक है अब मैं आपसे यहाँ पे चीज पूछने में इंटरेस्टेड हूँ क्या आपने ऐसा कोई डायग्राम देखा था क्या याद करो ऐसा कोई डायग्राम सर इंजन का सिंक में दूसरे अंदाज में बनाऊंगा ध्यान से देखना ठीक है ये हो गया मेरा बर्नर यानी कि यहाँ से गैस का बर्नर है यहाँ से मुझे हीट मिल रहा है ये है गैस का बर्नर इसको मैं बोल देता हूँ जो भी है सिंक रिजर्वर जो भी है और यहाँ से हीट कहा जा रही है बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो सोर्स सोर्स, सोर्स में वेरी गुड वेरी गुड मतलब दिस इज द सोर्स या वर्क डन होने के लिए तो वर्क डन में क्या चाय बन रहा है बेटा सोच के देखो यस सर चाय बना यस सर ठीक है चाय तो बन गया सर आगे क्या होगा बाकी हीट को बेटा एक कोल्ड रिजर्वर या सराउंडिंग में भेज yes, तो सराउंडिंग yes, में तो क्या आपको डायग्राम समझ में आया थोड़ा बहुत हाँ आ गया अब आया चलो ठीक है अब मैं इसको नाम दे देता हूँ क्यू वन क्यूंकि यहाँ से इसने हीट लिया कुछ हीट इसने रिजेक्ट किया क्यू टू मैं इसको नेगेटिव साइन दे सकता हूँ अब मैं इसको बोलता हूँ वर्क डन कितना होगा यहाँ से क्यू वन प्लस माइनस ऑफ क्यू टू ठीक है सर ये तो आपने बता ही दिया इसमें आपने नया क्या बताया बताता हूँ बेटा मैं ये तो नॉर्मल सी बात है इसमें समझने वाली बात क्या है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्या बर्नर का हीट ज्यादा होगा बेटा जो हीट सराउंडिंग में जा रहा है या yes, yes. सराउंडिंग का हीट ज़्यादा होगा yes, जो बर्नर बर्नर से आप बताओ का बर्नर का अपने आप खत्म हो गई और की तो बात ही नहीं रही अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कंप्लीट कर देता हूँ चलेगा क्या बेटा जीरो से ज्यादा ही होगा हीट ये कंडीशन आपको समझ में आया ये चाय बनाने के मेथड को मैंने ऐसे लिखा बेटा ऑब्जर्वेशन को लिखा अभी आपको समझ में आया मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स ये बात समझ में आई क्या मैंने ये पूरे मेथड को ऐसे लिख डाला मैथ्स के फॉर्म में मैंने ये बोला कि इसकी हीट ज्यादा है इसकी उससे कम है पर जीरो से ज्यादा होगी इसकी ये थोड़ा सा क्रिटिकल था आपको शायद समझ में आ गया हो यह रहा फर्स्ट केस ठीक है वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट फर्स्ट केस नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सेकंड केस जो इतना ही इंपॉर्टेंट है ठीक है तो मेरे घर में एक नया यंत्र आया हुआ था उस यंत्र का नाम चौदह तो की बात है, है। इंडक्शन बोलते थे इस यंत्र तंत्र को तो मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं इस यंत्र तंत्र को लेके गया क्योंकि गैस वगैरह कौन ढोए गया तो मुझे पता नहीं था चाय की क्लास है या बेटा चाय के बिना कैसे फिजिक्स चलो सुनो

ठीक है अब सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बेटा आपको पता है क्या इंडक्शन में नॉर्मल बर्तन काम नहीं करते बेटा उनके लिए कुछ स्पेसिफाइड बर्तन होते हैं yes, sir. मुझे ये बात नहीं पता थी बेटा दिस वाज माय फॉल्ट ठीक है ठीक है ये मेरा फॉल्ट था बेटा तो, तो मुझे ये बात भी नहीं भी पता, पता थी ठीक है मुझे भी बहुत लेट पता चली अब मैं बताता हूँ हुआ क्या ठीक है आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम

और आ, सारे बर्तन गंदे थे एंड आप यूपी बिहार से कोई है क्या कमेंट सेक्शन में लोटा yes 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 पता है लोटा दोस्त लोटा ठीक है वो बोला तिवारी लोटे में ना मेरे घर पे चाय बनता है मैं बोला बहुत अच्छी बात है बोला तू तो एक काम कर इंडक्शन पे लोटे पे चाय बना दे बर्तन ही है ना गर्म तो हो ही जाएगा तो मैंने बोला मस्त प्लान है

उसने उसने बोला भाई मेरे छोड़ दो हमारा घर ठीक है ठीक है हमको जीने दो घर खाली करना पड़ा था और बहुत सारे मैटर्स हो गए थे हम लोग कुछ जानबूझ के नहीं करते थे ड्यू टू अवर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमसे गलतियां होती रहती आई थिंक ये कॉन्सेप्ट में सबसे समझने वाली बात अगर मैं आपको बताऊं तो सुनना बहुत ध्यान से सुनना बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलूं बेटा कि मई और जून का मंथ है राइट तो मई और जून में टेम्परेचर ऑलमोस्ट फोर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस हो जाता है सोच के देखना पर उसका है है मैं बताता डोंट वरी डिग्री सेल्सियस ठीक मेरे दोस्त इसमें बोलते रोटी बना दो दिल करता है उन लोग को तावा पे बैठा दू और दो तीन दिन, दिन बाद बोलू आप उठ सकते हो आप ठीक है क्यों क्यों बताता हूँ सोचो बेटा यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर मैं इसको हीट दूंगा तो 20 डिग्री सेल्सियस का हीट दे रहा हूं ठीक है इसको से से मैं डिग्री डिग्री सेल्सियस सेल्सियस का हीट दे रहा ध्यान देखो रिलीज तो कर दी सराउंडिंग में अब सुनना सराउंडिंग में टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा रूम का 65. 65. 60. 60 ना सोच के देखो पंद्रह डिग्री और उड़ गया इस बर्तन ने पंद्रह डिग्री टेम्परेचर और एनवायरमेंट को दे दी इससे होगा क्या बेटा सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस आप हमेशा ऑब्जर्व करना कि गर्मी के टाइम में आपके किचन का टेम्परेचर ज्यादा होता है इस केस में अब आप बताओ कि Q1 ग्रेटर देन Q2 है या फिर Q2 ग्रेटर देन Q1 है एक बात बताओ आ, जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो और रोटी का टेम्परेचर कम है तो हीट तो हाई टू हो जाती है तो सराउंडिंग से सिस्टम पे हीट आनी चाहिए थी ना वेरी गुड क्वेश्चन बेटा यही सवाल मैंने अपने मम्मी से पूछा था जैसे मम्मी ने मेरे को एक बार बोला चाय बना दो बाहर बहुत गर्मी थी तो मैं तवे मैं क्या किया सस्पेन वस्पेन लिया बाहर 45 डिग्री सेल्सियस था 50 मैं बोला भाई आधे घंटे में चाय बनेगा एक घंटे में बन जाए मैं उसको गैस पे चढ़ा के छोड़ दिया मुझे ये नहीं पता था कि सोर्स सोर्स की जरूरत पड़ती है वी नीड अ टू एक्चुअली स्टार्ट द मतलब हमको चाय बनाने के लिए गैस ऑन करना पड़ेगा मेरे को लगा बाहर की हीट से ही तो ट्रेवल कर जाएगा चाय के अंदर चाय बन जाएगी ऐसा हुआ नहीं बेटा ठीक है आपका सवाल बहुत सही था ये एक्सपेरिमेंट मैंने करके देखा जैसे आप कुकर में बंद कर दो राजमा को सब मसाला वसाला डाल के और बाहर में छोड़ दो क्या शाम तक राजमा पक जाएगा नहीं पकेगा नहीं पकेगा ठीक है तो हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बट देर इज अ कंडीशन कंडीशन ये है कि वो जो बॉडी आप बोल रहे हो ना वो ऑलरेडी अपने एग्जिस्टेंस होना चाहिए मतलब हीटेड होना चाहिए तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी ठीक है रोटी रोटी के से से तो कुछ हीट होगी ना उस समय डिग्री बराबर होती है है मेरे से पूछो, मेरे पूछो को रोटी बनाना आता है। एक बार इस तरफ पलटते हैं एक बार इस तरफ पलटते हैं ज्यादा हीट होगी तो जल जाएगा रोटी का जो हीट होगा ना बेटा आप, आपका जो सवाल है आपका है सर रोटी के पास तो हीट होती है तो फिर वो रोटी का जो हीट होता है वो कितना होता है आपको क्या लगता है बेटा वट इज योर थॉट कितना डिग्री में होगा डिग्री सेल्सियस में बताओ

थोड़ा तुम लोग सीखा करो यार मतलब डायरेक्ट ही पढ़ने हो क्या कि पढ़ लेंगे आसपास देखो इसका ये मतलब नहीं है पेंटिंग बना दो गैस सिलेंडर उड़ा दो खतरनाक तो 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 नहीं सीखना है तक बेटा इस दो केस में किसी को भी डाउट है। Q1 कब ग्रेटर होगा आई थिंक ऑल गुड यस क्योंकि बहुत टफ कॉन्सेप्ट है अगर ये समझ में आ गया तो फिर आपको पूरी थर्मोडाइनेमिक्स समझ में आ गया ऐसा मान के चलो ये सारांश है पूरे थर्मोडानेमिक्स का सर चाय बनाना सारा से नहीं चाय बनाना नहीं हीट को समझना कहां से कहाँ फ्लो करता है कहां से कहाँ कब नहीं करेगा ये भी जरूरी है ठीक है ओके आई थिंक क्लियर है किसी को कोई भी तरह की डाउट बेटा इस क्वेश्चन में नहीं चलो अब मेरा सवाल आप लोग से ये है बेटा कि एफिशिएंसी ऑफ कारनॉट इंजन सर मुझे हाँ देव बेटा तब आप समझ पाओगे ठीक है तब आप समझ पाओगे मैं क्या बोल रहा था ठीक है ये सब अभी नहीं समझ पाएंगे बहुत छोटे हैं अच्छा तो कुछ लोग आती है तो समझ जाओगे आप क्यों रोटी को जल्दी जल्दी चेंज करते हैं? थोड़ा -थोड़ा मेरे से नहीं फूलती यार, रोटी, कपड़े से भी चेक कर लिया रोटी से भी चेक कर लिया ठीक है चलो कोई नहीं ठीक है आगे चलते बेटा द कार्नोट इंजन डिपेंड्स अपॉन ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है किस चीज पे डिपेंड करेगा बेटा सर ऑप्शन बी बी पक्का क्या मैंने अभी यही चीज को समझा है टेम्परेचर ऑफ बाहर का टेम्परेचर और सोर्स का टेम्परेचर मैटर करता है yes, याद करो अभी तो मैं यही बोल रहा था चाइनीज में थोड़ी देर पहले कि बाहर का टेम्परेचर yes, और yes. अंदर का टेम्परेचर भी मैटर करता होगा सोच के देखो सर अभी भी ये उतना अच्छे से समझ नहीं आया बेटा मैंने आपको एक बात बोली थी एफिशियंसी क्या होगी हीट अपॉन वर्क ये बोली थी मैंने सोच के तो yes. हाँ सर इसके लिए मैंने दो फॉर्मूले बताए थे के सारे जाएंगे। अब मैंने ऐसा क्यों बोला था समझाता हूँ क्या yes, ये क्वेश्चन हाँ बेटा कार्नोट में तो क्यू टू ऊपर आना चाहिए ना कार्नोट में क्यू टू ऊपर आएगा पक्का है क्यू टू ऊपर ले लो बेटा q2 <laughs> ऊपर ले लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा डोंट वरी ठीक है मैं ये ये कार्नोट के लिए मैंने नहीं बताया था ये मैंने हीट पंप के लिए बताया था याद है किसी को ये मैंने कार्नोट के, के लिए नहीं बताया था ये मैंने हीट पंप के लिए बताया था ठीक है सुनो जहां पे t1 क्या था बेटा मेरा सोर्स था आपको याद हो तो और t2 क्या बोला था मैंने हीट पंप में सिंक तो आप इस चीज को देख पा रहे हो क्या एफिशिएंसी डायरेक्टली डिपेंड कर रही है सोर्स और सिंक पे क्या से एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स एंड सिंक सोच के देखो कर रही है क्या यस yes, yes, तो मैं यहां से भी इस बात को कंफर्म कर सकता हूं किसी को यह समझने में दिक्कत नहीं पक्का आई थिंक क्लियर है बच्ची ने यह बोला कि सर कार्नोट में तो क्यू टू ऊपर आता है क्यू वन नीचे आता है मैं मानता हूँ क्यू वन नीचे आएगा, आएगा बट कि हीट ज़्यादा है करते हैं, करते हैं, तो जनरली वी डू द रेसिप्रोकल ऑफ वर्क सॉरी रेसिप्रोकल हम कर देते हैं इस चीज का जिससे आंसर सेम आ जाता है ठीक है अगर मुझसे कोई जैसे मैं एक क्वेश्चन से समझाऊंगा वो भी चीज को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो आपकी बात सही हो जाएगी बेटा सोच के देखना तो भी आप सेम बात बोल रहे थे सोचो यही बोल रहे थे ना बेटा यस yes, सर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो बात वही है ठीक है क्योंकि डिपेंड करता है मैं सोर्स इसके उस रिलीज का होगा चले आगे किसी को यहां तक कुछ भी तरह की दिक्कत परेशानी कठिनाई सब सही है तो कोई भी अपना फेवरेट इमोजी भेज दो सर कोई ऐसा केस हो सकता है जिसमें Q1 और Q2 दोनों इस दोनों तो टेम्परेचर सेम हो अभी अभी अरे होता अभी हूँ ये है दवाई का डब्बा है ना बेटा इसमें सेम है जितना हीट ये, जितना Q1 है, ही क्यू टू है ठीक है ये दवाई का डब्बा ठीक इसको मैंने रख दिया ऐसे अब देखो जितना इसको टेम्परेचर मिल रहा है उतना ही टेम्परेचर इसका है बस ठीक है बट अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी एफिशियंसी इनफाइनाइट आ जाएगी ठीक है ध्यान रखना जिसमें दोनों सेम हो हम्म और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है दैट वी एक्चुअली स्टडी अंडर प्री पीचुअल मशीन सो वो भी आप हाँ। पर सर हम्म थर्मोडाइनेमिक्स इसमें तो ये पढ़ा था जो कोई भी मतलब ऐसे कोई मटेरियल या कोई इंजन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी हंड्रेड परसेंट हो किताबों में बेटा बहुत कुछ लिखा गया जैसे सबसे बड़ी बात इसमें लिखी गई है आइडियल गैस सुना आपने Uh, तो होता है हाँ तो मैंने उसको देखा नहीं है तो वैसे ही हम मानते हैं कि सारी मशीन जो है वो ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंटी को अप्रोच करती है बट होती किसी की नहीं ठीक है दिस इज अ वेरी आइडियल केस ठीक है कुछ लोग अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो बैनली का गाड़ी ले लेंगे ले और उसमें बूम बूम वाला साइलेंसर लगा देंगे और उनको बहुत कूल लगेगा ये चीज उनको नहीं पता है कि इसके पीछे कितने इंजीनियरों ने जान गवाई है और साइलेंसर को ऐसा डिजाइन किया ना नम ना मानते ठीक है ठीक है पट पुट आवाज आएगा तो उनको अच्छा लगेगा पता नहीं ऐसा क्यों है कौन से साइलेंसर लगाने से? बुलेट में बेटा क्या है ना बचपन में उनको आदत हो गया होता है थप्पड़ खा खा के कान में टप टुप सुनने का तो जब तक वो बुलेट में टप टुप नहीं सुनेंगे उनको याद नहीं आएगा ठीक है तो उनको बहुत कुल लगता है यस सर ठीक है हाँ जब तक आदत हो जाती है ना थप्पड़ खा खा के टप टुप सुनने का तो वो उनको पता चलता रहना चाहिए तो वो क्या करते हैं वो कंपनी का साइलेंसर चेंज कर देते हैं वो बड़े इंजीनियर होते हैं ठीक है वो कंपनी का साइलेंसर चेंज करके खुद का साइलेंसर लगा देते हैं और जैसे ही खुद का साइलेंसर लगाते हैं उसके बाद कंपनी बोलती है जयराम जी की भैया आप बहुत बड़े इंजीनियर थे आज के लेवल का इंजीनियर हमारे कंपनी में तो है उनको पता नहीं होता था लॉजिक द लॉजिक इज दिस वर्डन विल इंक्रीज एंड इफ दिस वर्डन विल इंक्रीज डेफिनेटली विल आप इस बात को समझ पा रहे हो वर्डन ज्यादा लगेगा बेटा आवाज करने में कुछ फायदा हुआ नहीं ठीक है जैसे लो, लोगों से पूछता हूँ मैगी क्यों पसंद है अच्छा लगता है। है? हाँ, है। है? चमकीला गाड़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है गाड़ी चमकीली होनी चाहिए आजकल तो उसमें इंस्टाग्राम का टैग मार देते हैं आई कभी कभी मैं सोचता हूँ क्यू कोड भी लगा दो भैया कोई तुम लोगों को कुछ दे देगा कहेंटाग्राम का खाली आईडी चिपका रहे हो ठीक है और स्टेटस भी डालते हैं राइडर वाला ठीक है तो मैं थोड़ा बच के चलता हूं तो इसलिए मैंने बोला लेट्स चेंज द प्लान मैं मेट्रो लेता हूं क्योंकि मेरे को इन पे भरोसा नहीं है ठीक है मैं जनरली मेट्रो यूज करता हूँ प्रीफर करता हूं इसके अंदर तो नहीं चला सकते ना बाइक क्या कर लोगे गाना गा लोगे बहुत ज्यादा मेट्रो के अंदर और क्या कर लोगे और तबाही कहाँ से मचाओगे तुम ठीक है चलो आगे चलते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन में अब सुनो सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ये कि द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर इज टी टू डिग्री सेल्सियस

अगर किसी घर yes, में डबल डोर बबल डोर yes, है बेटा बेटा तो वैसे कुछ बता दिए मैंने क्वेश्चन नो सर कभी उसके पास हाथ रखना एज ए इंजीनियर टच मत करना टच कब करना है ट्वेल्थ में जब तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पढ़ाई करोगे अभी ऐसा मैकेनिकल इंजीनियर हाथ रखना आपको हीट मिलेगा उसके पास ठीक है टच मत करना टच करने पे पूरे बॉडी में हीट मिल जाएगा अभी बॉडी हीट के बारे में हम नहीं पढ़ रहे करंट लगेगा आपको ढंग से अच्छे लेवल पर करंट लगेगा भरपूर मेरी ये ठीक है तो कभी दट्च दट्च कर? मैंने टच नहीं किया बेटा कभी मैं बहुत डरता हूँ मैंने खिचड़ी बनाई ठीक है इंसानियत जाग गई मैंने बोला मैं पूरे कैनॉट प्लेस को खिचड़ी खिलाऊंगा ठीक है मैंने खिचड़ी बनाई एंड जब मैंने खिचड़ी बनाई बेटा तो उस खिचड़ी को अगर मैं फ्रिज में रखूंगा क्यों रखोगे सर मेरे अंदर का इंसानियत खत्म हो गया ठीक है अब देखो यहाँ पे मैंने खिचड़ी रख दी अब खिचड़ी तो गर्म है ना बेटा तो ये हीट तो छोड़ेगी ठीक है पर पर, पर ये हीट को एब्सॉर्ब करना पड़ेगा मुझे तभी तो फ्रिज ठंडा रहेगा बेटा सोच के देखो नहीं तो फ्रिज ठंडा रहेगा क्या चलो no, ठीक है थीके? चलो सुनो बेटा अब हीट एब्जॉर्ब जो है वो होगी इसके अंदर से तभी तो, तो वो हीट जाती कहां है जैसे मान लो मैंने गरम गरम पिज्जा लिया उसको फ्रिज में रख दिया तो उसकी हीट गई कहां दैट इज द क्वेश्चन वो हीट जो है वो फिन के सहारे बेटा बाहर एन सराउंडिंग में चले गई इसलिए आप जब अपने फिन के आसपास हाथ रखोगे ना थोड़ा गर्म लगेगा राइट ये बात समझने में किसी को दिक्कत तो बताओ बेटा जो रेगुलेटर्स आते हैं उनके साइड से हीट निकलती है पीछे से नहीं हाँ वो थोड़ा सा बेटा मेरे मेरा पास सस्ता वाला है उसके अंदर काकरोच भी रहता है मैं उसको फ्री में रेंट भी नहीं पूछता उसको बोलता हूँ रहे ठीक है तो मैं बहुत पुराना जमाना वाला यूज करता हूँ हाँ डबल डोर रेफ्रिजरेटर में आजकल फिन से नहीं आते हैं वो लोग एक तरह का पतला पतला शील्ड बना देते हैं उसी से ट्रांसफर कर लेते हैं ठीक है मेरा वाला बहुत पुराना है मतलब काम वही करता है ठीक है कोई रेफ्रिजरेटर लेने जाएगा तो सोच समझ के जाना थर्मोनेमिक्स पढ़ के रिवीजन करके जाना एटलीस्ट ठीक है बेटा यहाँ तक किसी को डाउट वो बच्ची सही बोल रही है एडवांस वाले में वो बहुत ही साइड से आता है आप आसपास भी ऑब्जर्व करोगे थर्मोनेमिक्स कायदे से समझ में आ जाएगी किसी को तक डाउट बेटा नो no, सर अब ये पूछ रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर होगा मतलब अगर मान लो ये मेरा फ्रिज है ठीक है बेटा इसका टेम्परेचर है टी टू डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है टी वन डिग्री सेल्सियस बेटा इसको रूम टेम्परेचर से कोई मतलब है क्या फ्रिज को सबसे पहले तो ये बताओ नो सर कभी नहीं बताओ सर no, खुद एक सिस्टम में हाँ कोई एक्सिस्टिंग सिस्टम है अपने आप में सब कुछ कर लेता है जैसे मैं अपने दोस्त के घर का फ्रिज देखा बहुत बड़ा फ्रिज था उसके पास उसमें मैं चदर तकिया डाल के सो जाता लेकिन हाँ ऐसे सीधा सोना पड़ता इतना बड़ा था उसका फ्रिज इसमें इंसान रहता है क्या रूम है क्या ये वन बी है क्या इतना बड़ा फ्रिज था तो उसमें एक चीज देखी थी मैंने पीछे की तरफ की इट इज अ को सिस्टम अब मुझे नहीं पता था ठीक है तो मैं समझाता हूं आपको इसका मतलब क्या है इसका मतलब है बेटा इसको बाहर के टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं होता है बाहर के टेम्परेचर से इसका कोई लेना देना नहीं है बेटा राइट right? ये अपना सिस्टम खुद को एग्जिस्ट कर देता है कि गर्मी के दिन में भी आपका पानी ठंडा रखता है ठीक है इसको पता ही नहीं है बाहर पैंतालीस डिग्री हो रहा है थर्टी फोर हो रहा है थर्टी फाइव हो रहा है ठंडी के दिन में भी चीज ठंडी रखती है कोई ठंडी के दिन में ठंडा पानी पी सकता है क्या कभी मत, पी थी। थी। कभी मत ठंडी कोल्ड ठीक है कभी मत पीना चलो एनीवेज वी डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं यार ये तो हो गई नॉर्मल सी बात मैंने एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बताया था हीट अपॉन वागे। 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 अभी एक बच्ची ने बोला था सर कार्नोट है तो ऊपर आएगा बेटा नॉर्मल केसेस में भी हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं कैसे मैं क्या लिखूंगा वन माइनस अपॉन में टी टू हाँ सर लिख लो क्या दिक्कत है अच्छा ठीक है यहां तक की तो बात मुझे भी समझ में आ गई अब आगे चलते हैं

अब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा ठीक है जो आप बोल रहे थे बेटा तो अब ये कुछ आपके इक्वेशन जैसा दिख रहा है सोच के देखना जो आप बोल रहे थे टी टू की ऊपर आके डिफरेंस नीचे आ गया यही आप बोल रहे थे कुल मिला के सोच के देखो नहीं ये नहीं बोल रहे yes, थे चलो अब मैं yes, बोलता हूं टी टू प्लस टू सेवेंटी थ्री कैलविन डिवाइडेड बाई टी टी टू माइनस टी वन चलेगा क्या ये माइनस टी टू ले लो इसको उल्टा कर दो ठीक है इसको उल्टा कर देता हूँ ताकि टी वन माइनस टी इसको ऐसे लिख लेता हूँ तो ये कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है बेटा सोच के बताओ कौन सा ऑप्शन बेटा हाँ सी पक्का सही है सी यार बी क्यों नहीं सही हो सकता बीस लेनी सही हो सकता बेटा बिकॉज रेफ्रिजरेटर को बाहर के तापमान से कोई मतलब है नहीं है बाहर के तापमान से अगर मतलब नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है सोच के देखो किसी को भी डाउट बेटा यहाँ तक किसी को भी तो यहाँ हुआ हम समाप्त और एक मिनट में सबके डाउट्स ले लू जस्ट डू गिव मी अकेंड सर